टोयोटा कोरोला अल्टिस। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंपोर्टेड फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में उतार दिया है। और क्या है इसकी खासियत और कौन कौन से फ्यूल को ये सपोर्ट करती है, करते हैं इस वीडियो में बात। हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों ये है टोयोटा कोरोला अल्टिस फ्लेक्स फ्यूल विद न्यू टेक्नोलॉजी। बात कर लें तो हमें इसके इंजन ऑप्शन की, तो ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ आएगी। पेट्रोल इथेनॉल के साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी शामिल किया गया है। 1.8 इथेनॉल रेडी पेट्रोल हाइब्रिड इंजन 2200% इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चलने के लिए कंफर्टेबल है। और 75.3 किलोवाट फ्लेक्स इंजन का पावर और 142 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये। और इसमें 1.3 किलोवाट की हाइब्रिड बैटरी से भी के साथ मिलेगा। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 53.7 किलोवाट का आउटपुट और 162.8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इंजन CVT हाइब्रिड ट्रांसएक्सल ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ मिलता है। नितिन गडकरी का बड़ी कामयाबी पर बड़ा बयान। भारतीय टोयोटा फर्स्ट SUV कार जो कि फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी कुछ टोयोटा कोरोला अल्टिस फ्लेक्स फ्यूल की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।